गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने कल का सब होमवर्क किया होगा, मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोला होगा और आपको समझ में भी आया होगा। कल क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस, टेंस के बारे में पढ़ा था। तीन टेंस होता है वो पता है ना, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमने कल सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, उसमें ऐसा है आई यू वी और एक से ज़्यादा जो भी होता है उसके साथ वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। कोई भी एक व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो जो वर्ब के साथ हमें एस लगाना है। एग्जांपल सबको मालूम है ना, मैं एक लेटर लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, और राम लिखता बोलेगा तो राम राइट्स ए लेटर, एस आ जाता है। वही उसमें ध्यान रखना होता है प्रेजेंट टेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी हमें प्रेजेंट टेंस में और भी सेक्शंस है उसमें पढ़ना है तो इस एम आर का यूज़ करना पड़ता है। इस एम आर पहले भी आपने पढ़ा था, एम ए स्टूडेंट, इस ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, तो इस एम आर इसमें से कोई भी एक ही एक सेंटेंस में आएगा। और नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को लेगा तो जो काम चल रहा है, कंटिन्यू पता है ना आपको, कंटिन्यू करो मतलब चालू रखो, जो चालू रहता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलता है। तो उसका एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम स्टडीइंग, वो पढ़ रहा है वो बोलेगा तो ही के साथ क्या आएगा, इज स्टडीइंग। और वी हम लोग पढ़ रहा है, वी आर स्टडीइंग। इस एम आर कैसे कैसे यूज़ किया आपको पता है, आई के साथ हमेशा एम प्लस वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है। और सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इस प्लस आई एन जी वर्ब का साथ आई एन जी ऐड करना होता है। और जो प्लूरल है प्लूरल के साथ आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी, इसका मतलब क्या होता है, मैं काम कर रहा हूँ, वो पढ़ रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट हिंदी में समझना है रहा है ना, पहले हम लोग पढ़ता जाता है, पढ़ता है, खाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब इसमें कंटिन्यूस जब बोलते टाइम कंटिन्यूटी दिखाता है तो उसमें रहा है ऐसा बोलता है। अब सपोज मम्मी खाना बना रहे तो मम्मी सिंगुलर है तो इसके साथ इस हो जाएगा, मम्मी इज कुकिंग फूड। पापा ऑफिस जा रहा है, पापा इज गोइंग टू ऑफिस। बॉयज खेल रहा है, बॉयज आर प्लेइंग। आर क्यों है, बॉयज एक से ज़्यादा इसलिए आर प्लेइंग, प्ले के साथ आई एन जी। तो आप इसके बारे में आप सेंटेंस बना सकते हैं ना, अभी कृष्णा बनाना खा रहा है, कृष्णा इज ईटिंग बनाना। मैं सो रहा हूँ आई एम स्लीपिंग, आई के साथ क्या आएगा हमेशा एम। और हम लोग सब खेल रहा है, वी ऑल आर प्लेइंग, आर प्लस आई एन जी फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही है, आपको ध्यान रखना है ही सेम आर इसमें से कोई भी एक आता है प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करना। सो मतलब है रहा है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू बॉम्बे। टीचर आ रहा है, टीचर इज कमिंग टू क्लासरूम। और हम लोग जा रहा है पिकनिक जा रहा है, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, आर प्लस आई एन जी फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगाना नहीं लगाना, और कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है। तो आप उसके बारे में और 20-25 सेंटेंस बना लीजिए, इसके बाद हमें और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।